अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। हमारे चैनल की एक और रिवायत ये भी रही है कि हम इंटरेस्टिंग यूट्यूबर्स को आप तक लेके आएं, दोज यूट्यूबर्स हुम यू गाइज लाइक। हमारे आज के इस एपिसोड में भी हमारे पास एक ऐसे ही यूट्यूबर मौजूद हैं और मुझे ये यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग उनको पहले से जानते होंगे। और मैं आपको एक और चीज़ ये बताता चलूँ कि इनका अपना चैनल है अंग्रेजी जबान में, लेकिन आज हमने इनको इंसिस्ट करके ये पुश किया है कि ये हमारे साथ हिंदी / उर्दू बोलें। सो हेयर वी प्रेजेंट मिस्टर करणवीर सिंह, ऑल्सो नोन एज KSN। हेलो कैप्टन जायद एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। पहले स्टार्ट करने से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू योर चैनल कैप्टन जायद। मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ योर वीडियोस एंड आई ट्राई टू कॉपी मेनी थिंग्स, पर एक चीज़ नहीं कर पाता, वो है आपके बोलने का ढंग। इट इज़ टू गुड सर, टू गुड। थैंक यू वेरी मच करण, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली फ्लैटर्ड कि आपको मेरा चैनल इतना अच्छा लगता है, एंड बिलीव मी This feeling is mutual. So anyway, video start karte hain. Mera naam hai Karanveer Singh Nayyar. I am a third officer and a YouTuber sailing on one of the biggest ships in the world. ये जो पीछे आप शिप देख रहे हैं, इसकी लेंथ 400 मीटर है और ये 18,000 कंटेनर्स कैरी कर सकती है। तो या मेरा YouTube चैनल है विच विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैप्टन जाहिद वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सर विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, आपको करणवीर सिंह के तमाम सोशल हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो हिम ऑन ऑल ऑफ हिज सोशल मीडिया हैंडल्स। करण, आप हमें ये बताइए कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने पर किस चीज़ ने मजबूर किया और आपने क्यों अपने वाले साहब की तरह आर्म फोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया? कैप्टन साहब, सच बात तो ये कि मर्चेंट नेवी मेरा सेकेंड ऑप्शन था। पहला ऑप्शन फौज था कि मेरे पिताजी फौज में थे, पूरा लाइफ स्टाइल मैंने तब से बचपन से वही देखा था। मुझे नेवी क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज इसमें यूनिफॉर्म थी, इसमें एक एडवेंचर भरा हुआ ज़िंदगी था, इसमें किसी कंप्यूटर के पीछे काम यू नो जैसे डेस्क जॉब पे होता है, कॉर्पोरेट जॉब जैसा नहीं था। तो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न एंड हियर आई एम। ये हमारा ब्रिज है और दिस इज़ माय ऑफिस नाउ एंड आई लव इट। अब एक और कॉमन सवाल जो कि मैं हर एक से पूछता हूँ, क्या आप मुतमईन हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी कि आपने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया, और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने का सही था? सो फार आई कैन से मैं खुश हूँ यहाँ पे, और ऐसा व्यू सबको नहीं मिलता। इसके लिए लोग कितने पैसे देते हैं और हमें इसके लिए पैसे मिलते हैं तो आप समझ रहे होंगे। बट या इट इज़ अ गुड प्रोफेशन, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं पर एडवांटेजेस भी बहुत हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है कि आप कैडेट शिप से थर्ड ऑफिसर बने, वो भी एक दुनिया की अच्छी कंपनी में, मर्स लाइन पे, और वो भी दुनिया के बड़े कंटेनर जहाजों में से एक जहाज पे, यानी कि एमा मर्स पे। हाउ डज इट फील? कैप्टन साहब, आई वुड से दिस पर्टिकुलर वन स्ट्राइप ऑल्सो कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। जैसे ही आप कैडेट से थर्ड ऑफिसर बनते हो, आपको इतना बड़ा जहाज संभालना होता है, इट इज़ नॉट ईजी। देयरफॉर कैडेट शिप में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, पढ़ाई कर लेनी चाहिए, सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, वरना फर्स्ट टाइम में बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, स्पेशली द फर्स्ट नेविगेशन वॉच। पर एक बहुत प्राउड मोमेंट भी होता है वंस यू टेक ओवर द शिप एंड यू डू योर वॉच, बहुत ही अच्छा लगता है कैप्टन साहब, बिलीव मी। यार करण, मुझे एक बात बताओ कि आप अपने YouTube चैनल को अपनी जॉब के साथ किस तरीके से मैनेज करते हो? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल है थर्ड ऑफिसर का काम करना भी और साथ में YouTube चैनल को मैनेज करना भी? What do you think? Captain साहब, being a YouTuber and a third officer on board a ship, आपको पता है बहुत ही मुश्किल टास्क है, पर मेरा एक छोटा सा टैग लाइन है called What's your excuse? दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से आप 8 घंटे सोते हो, 10 से 12 घंटे शिप के काम करते हो, बाकी 4 से 6 घंटे जो करते हो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। For me that was YouTube and I pursued it. क्या आप दूसरे मैरिनर्स को, दूसरे लोगों को इनकरेज करना चाहेंगे कि वो भी YouTube को ज्वाइन करें? आपको नहीं लगता कि एक सर का दर्द है जो आपने ले लिया है, क्या आप रिकमेंड करेंगे दूसरे लोगों को? वेल, आई डू इनकरेज अदर पीपल, अदर सी फेयरर्स टू डू समथिंग क्रिएटिव। YouTube ही नहीं है ज़िंदगी में, देर इज़ फोटोग्राफी, देर इज़ पेंटिंग, देर इज़ रीडिंग, देर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ कर सकते हो। तो 100% एक क्रिएटिव स्किल होना चाहिए, और शिप पे बहुत टाइम मिलता है, ऐसे नहीं कि कोई टाइम नहीं मिलता। अगर आप अपना प्लान अच्छे से कर सकते हो अपने पूरा दिन, तो यू कैन डू एनीथिंग। सो दैट्स वन मैसेज आई वुड लाइक टू कन्वे टू एवरीवन। सेलिंग और यूट्यूबिंग के अलावा आपका सबसे फेवरेट पास टाइम क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम अपार्ट फ्रॉम सेलिंग एंड यूट्यूबिंग? ये है असली ऑल्टरनेटिव मेरा, जो है जिमिंग, वर्किंग आउट। ये हमारे शिप का जिम है, एंड जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में आता हूँ या थोड़ा सा लो फील करता हूँ, मैं आके यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ। नहीं भी कर रहा होता हूँ लो फील और खुश भी होता हूँ तब भी कर लेता हूँ, बिकॉज बॉडी का ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शिप पे भी और इन जनरल लाइफ पे भी। हम सबको इस चीज़ का इल्म है कि पिछले दिनों आपने एक हैशटैग चलाया, दैट वॉज KTS, करण तरुण सुनील। हाउ डू यू थिंक द ऑडियंस हैज रिस्पॉन्डेड टू दिस हैशटैग, और इसके ऊपर काम कैसा चल रहा है आपका? सो KTS इज अ हैशटैग जिसमें इंक्लूड है मैं, करण, देन कैप्टन तरुण आका कैप्टन सिंस,
कैप्टन सुनील. सो हम सबके फर्स्ट लेटर्स को ज्वाइन करके KTS बनाया गया है. इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप इन विच वी शेयर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मर्चेंट नेवी. तो नए लोग के लिए जो नए एस्पिरेंट्स है, जो सी फेयरर्स है, सो टू स्प्रेड द राइट इन्फॉर्मेशन KTS बनाया गया था और ऑडियंस का रिएक्शन काफ़ी अच्छा गया. तो हम लोग इसको परस्यू करेंगे. अभी हम सब शिप पे हैं. कैप्टन तरुण अभी हांगकॉन्ग चले जाएंगे. तो जैसे ही मिलेंगे फिर द जर्नी कंटिन्यूज. यार करुण, एज तो तुम्हारी हो गई है और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, शादी भी कर सकते हो. व्हाट इज द रीज़न कि अभी तक शादी नहीं की? कहीं इश्क में नाकामी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नाकाम आशिक तो नहीं हो कहीं? सर नाकाम आशिक तो नहीं कह सकता अपने आपको, क्योंकि अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है. पर एक ज़माने में हम नाकाम आशिक होया करते थे, पर अब वो ज़माना चले गया. शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे सर, बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन. बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे गोल्स हैं. पहले कम्प्लीट करेंगे सो दैट देर इज़ अ फ्री माइंड, एंड फिर सोचेंगे शादी के बारे में. कोई भाग दौड़ तो है नहीं, जिंदगी काफी लंबी है, तो जब आएगा टाइम तब कर लेंगे. तो अब आप हमें ये बताएं कि आप शादी फिर कर कब रहे हैं, और क्या अपनी ऑडियंस के लिए ये शॉर्ट्स आप YouTube पे या अपने किसी और सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करेंगे? न्यूज सबसे पहले अनाउंस हो जाएगी सर मेरे चैनल पे, और आपको भी हम इन्विटेशन भेज देंगे, और ऑफकोर्स ब्लॉग तो आएगा ही. तो कभी ना कभी देखते हैं 4-5 years फ्रॉम नाउ. अभी तो बहुत ही यंग हूँ मैं, अभी जस्ट कितना 26 साल का हुआ हूँ. तो 31-32 तक मेरा कोई प्लान नहीं है. तब तक हम सेलिंग ब्लॉग्स और बाकी ब्लॉग्स बनाएंगे. यार करण एक बात मुझे बताओ, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अ थर्ड ऑफिसर, तो क्या आपको कभी चीफ ऑफिसर से या कैप्टन से डांट खाने का सामना करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि आप कैमराज को ऑन बोर्ड यूज़ कर रहे थे, या ड्यूरिंग योर रूटीन यू वर शूटिंग विद द हेल्प ऑफ कैमराज? तो सर अभी तक तो किसी ने डांट नहीं लगाई है, ना चीफ ऑफिसर ने ना कैप्टन ने. मैं क्या करता हूँ, पहले परमिशन ले लेता हूँ अपने कैप्टन से एंड द कंपनी से टू फिल्म, एंड इफ दे से यस ओनली देन आई फिल्म. तो आई डोंट शो एनीथिंग अनसेफ या कुछ स्टूपिड नहीं करता, तो अभी तक ठीक गया है. जिसको कैमरा में आना नहीं अच्छा लगता उनको मैं टोटली अवॉइड करता हूँ. तो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच वी हैव टू फॉलो, बट रेस्ट सो फार इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी, एंड आई हैव गॉट वेरी गुड सपोर्टिव पीपल. करण आपने मुझसे पूछा था मेरी मर्चेंट लाइफ का कोई फनी किस्म का इंसिडेंट, मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज का इल्म है कि फनी इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं एंड सम ऑफ देम आर रियली हिलेरियस. तो आपकी लाइफ का कौन सा फनी इंसिडेंट था? एक फनी इंसिडेंट आई वुड से इट इज मोर एम्बैरेसिंग. एक बार मैं ड्यूरिंग माय कैडेटशिप द चीफ ऑफिसर गेव मी अ टास्क की जाके स्टेशनरी का ना इन्वेंट्री ले. तो छोटा सा रूम था, लाइट उसमें एक ही थी. तो सुबह के 9 बजे थे और कैडेटशिप में वैसी नींद अच्छी खासी नहीं आती थी. तो 9 बजे गया मैं, छोटी सी इन्वेंट्री ली और लाइट ऑफ करके सो गया. तो 10 बजे कॉफ़ी ब्रेक के पहले चीफ ऑफिसर बस आके चेक कर रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसने लाइट खोली और मैं एकदम ही लेटा हुआ था फ्लैट सो रहा था. तो आया वो धीरे से एकदम मेरे मुँह के सामने और जगाने की कोशिश की. तो मैं एकदम से आँख खुली तो उसकी शक्ल देखी और एक कोनी लगा दी मैंने, और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम मैंने किया है फॉर द नेक्स्ट 3 months ऑन दैट शिफ्ट. बैड डेज. करण आई कैन वेल इमेजिन चीफ ऑफिसर ने क्या किया होगा आपके साथ, विक्टिम. यार अपनी छुट्टियों में क्या क्या करते रहते हो करण, हमें ये तो बताओ. सो वेकेशन में आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, एंड एडवेंचर स्पोर्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है. तो अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखोगे तो स्कूबा डाइविंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग सब कुछ किया हुआ है मैंने, व्लॉग भी किया है. और बाइक से तो मेरा एक बहुत ही गहरा लगाव है. तो आई एम अ बाइकर बाय हार्ट, सो मोटरसाइकिलिंग ऑल द वे. उस पर आई जनरली गो फॉर लॉन्ग टूर्स 4,000 kilometers एट टाइम्स कंटिन्यूसली विद माई फ्रेंड. सो वेकेशन पे ये करता हूँ, और ऑफकोर्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं नए कोर्सेज करता रहता हूँ टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड डू समथिंग बेटर इन लाइफ. क्या आप किसी एक कैप्टन का नाम ले सकते हैं कि जिनको देख के आप ये कहें यार आई वॉन्ट टू बी दिस गाय, मैंने इन जैसा बनना है? इज देयर एनीवन? एज सच कोई एक कैप्टन नहीं है. मैं क्या करता हूँ, मैं सारी गुड क्वालिटीज ऑफ द कैप्टन्स आई सेल विद एंड आई नो उनको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सारी बैड क्वालिटीज को भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि वो मैं रिपीट ना करूँ एज अ फ्यूचर कैप्टन. तो ये है मेरा गोल. बाकी आई वुड लव टू बी अ कैप्टन ऑफ माई शिप समडे, और
More importantly, be a good human being, even if not being a captain. Karan, it's a common dilemma of all of the YouTubers, including me. कि YouTube के ऊपर ग्रोथ करना काफी बल्कि ठीक ठाक किस्म का मुश्किल काम होता है. इट्स नॉट ईजी. अपने चैनल को एस्टेब्लिश करना, उसको रन करना, इट इज अ हेडेक. और जब आपको अपने उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड नहीं मिलता तो यू डू फील डाउन एंड आउट. आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग. व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? किस चीज ने आपको इंस्पायर्ड रखा? I should go on. Definitely, Captain Saab, ek time aata hai when you want to give up because YouTube game is a slow game and a long game. So, us time pe what I do generally is think ki kyun maine ye channel start kiya tha. So, mere case mein it was to show the ghost life of our seafarers. So, that does not let me give up. And aapka bhi aim hona chahiye, goal hona chahiye to start a channel. And uske bina bahut mushkil ho jayegi. Aur audience jaisi ban jati hai, to audience ka pyar भी आपको गिव अप करने नहीं देता. तो दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग एंड इट विल डेफिनेटली कीप मी गोइंग. करण, इज देयर एनी चांस ऑफ यू विजिटिंग पाकिस्तान? आई विल बी डिलाइटेड टू होस्ट यू बाय द वे. कैप्टन जाहिद, पाकिस्तान आना तो बहुत मुश्किल है, एज यू नो हाउ द सर्कमस्टेंसेस आर. बट मेरा एक मैसेज है फॉर ऑल द इंडियंस एंड पाकिस्तानीज वॉचिंग दिस वीडियो, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बाउंड्रीज है, दीज आर मेड बाय अस द मैनकाइंड एंड नॉट जस्ट इट वॉज नॉट देयर नेचुरली. And not even just Pakistan and India, but सारी दुनिया की boundaries हमने ही बनाई है. करण, आप अपनी पाकिस्तानी audience के लिए कोई पैगाम छोड़ना चाहेंगे? तो I hope someday these boundaries fade away and we all come together as human beings in peace and harmony. And उससे हमारा progress भी बढ़ेगा और growth भी बढ़ेगी and ये सब खून खराबा खत्म हो जाएगा. So that is my message to everyone. करण, thank you so much for taking the time out. सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी audience के लिए. मैं ये जानता हूँ कि आप इस वक्त जहाज़ के ऊपर सेल कर रहे हैं और मुझे ये भी इल्म है कि जब आप जहाज़ के ऊपर सेल कर रहे होते हैं तो टाइम निकालना इतना आसान नहीं होता, वो भी अपनी बिजी रूटीन में से, अपने बिजी शेड्यूल में से. थैंक यू सो मच कैप्टन जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड इट वाज ट्रूली एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी फीचर्ड हियर. आई हैव सीन दिस चैनल ग्रो फ्रॉम ऑलमोस्ट 10-20K टू नाउ 1 lakh प्लस सब्सक्राइबर्स एंड मोर पावर टू यू सर. सो आई होप यू गो बैक एट सी सून एंड मेक सम ऑसम कॉन्टेंट. टिल देन सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू डिड लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू बैक फ्रॉम अनदर डे एट सी. अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहें जो कि मैंने कैप्टन सुनील के साथ कोलैब किया था तो वो वीडियो होगी यहाँ. मीनटाइम अगर आप मेरा इंटरव्यू देखना चाहें करण के साथ तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार. आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.